महिलाएं एवं लड़कियों के साथ हो रहे प्रतिदिन शोषण में अब आधुनिक कल्चर ने अपनी जगह बना ली है। शहरों में बढ़ता नाइट क्लब, नाइट कल्चर बाईपास पर आधी रात तक संचालित होने वाले कैफे और ढाबे, जिनमें शहरी नागरिकों की बढ़ती रुचि है, जिसका प्रमुख स्थान इंदौर के बाईपास पर चल रहे ढाबों पर अवैध नशाखोरी और बिना अनुमति के शराब परोसना, जहां एकांत में होने के उपरांत महिलाओं और लड़कियों के संग एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित करने का खुला खेल चल रहा है। सरकारी विभाग और पुलिस विभाग के नाक के नीचे लड्डू द ढाबा, जो कनाडिया स्थित बाईपास पर संचालित हो रहा है। इन ढाबों पर खाली ट्रक वालों के खाने की व्यवस्था का कार्य करने का इनको अधिकार है, किंतु बाईपास और एकांत का फायदा उठाते हुए यहां पर नवयुवक लड़के लड़की शहर की चेकिंग से बचते हुए खुले आम लड्डू द ढाबे में बैठ के शराब और अन्य नशों का सेवन करते हुए अक्सर पाए जाते हैं, किंतु ढाबे वालों द्वारा नाबालिग कर्मचारियों की तत्परता से शराब की बोतल हटा दी जाती है और वहां प्लास्टिक के गिलास में खुले आम शराब का सेवन होता रहता है। आपको बता दें कि एकांत होने के कारण भविष्य और वर्तमान में भी इन ढाबों पर महिलाओं के शराब पीने के बाद अव्यवस्था में उनके साथ किसी भी प्रकार की हरकत या कोई अप्रिय घटना जो समाज को शर्मसार कर दे, वह घटित हो सकती है, जिसके मुख्य जिम्मेदार इस प्रकार के बाईपास पर होने वाले ढाबे हैं। यूं तो कहा जाता है कि बधुआ मजदूरी खत्म हो गई है, किंतु अगर बाईपास के इन सभी ढाबों पर कर्मचारियों की जांच की जाए तो अधिकतम संख्या में ग्रामीण से लाए हुए नाबालिग बच्चे जो ढाबे पर काम करवाए जा रहे हैं, जो कि एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध को भी नजरअंदाज करते हुए खुलेआम यह ढाबे लाइटों के साथ चमकते हुए आम लोगों के जीवन को अंधकार में धकेल रहे हैं। इसका दोषी किसे माने? आधुनिक और स्मार्ट भारत के युवक युवतियों को या इस प्रकार के अवैध रूप से व्यापार करने वाले इन ढाबे मालिकों को या उस प्रशासन को, जो यह देखने के बाद भी केवल अपराध होने के बाद की स्थिति में सजग होता है।